नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त कफन रिपोर्टर धर्मचंद यादव। और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर आईबी में पहुंच गए हैं और यहां पर आईबी के मैं आज अमरनाथ पांडे जो अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के हैं उनकी जो है मीटिंग हो रही है, चूँकि अभी पैक्स अध्यक्षों में अध्यक्ष की चुनाव चल रही है और इसको लेकर जो है पूरे ज़िले में जो है चुनाव की प्रक्रिया में सभी लोग लगे हुए हैं और मोटो एक ही है सभी का कि गरीबों को सही समय पर उनके जो खदान की जो पूर्ति है उसको किया जाए। लेकिन इसके पश्चात भी पूर्व से भी देखने को मिल रहा है और वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है कि स्थिति चाहे जो भी हो लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं वो जस की तस जो है दिखती चली आ रही है और बदलाव के प्रति जो है प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं कि शायद इस व्यवस्था में कुछ बदलाव हो तो शायद हम लोगों की समस्याओं में भी परिवर्तन हो सकता है। क्या कुछ कहा अमर पांडे ने हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं। हालांकि मोतीपुर बरुराज के तमाम पैक्स अध्यक्षों ने उनको फूल मालाओं से पहनाकर और उनकी विचारधाराओं को समर्थन दिया। आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अमर पांडे जिला के जो अभी अध्यक्ष पद के लिए। यहाँ बताने लायक कुछ है ही नहीं क्योंकि इन लोगों का अपार स्नेह है, ये लोग आ करके अपना समर्थन देने का वादा किए हैं, ये उनका स्नेह है, उनका प्यार है और पीछे 20 साल से जो मैंने कार्य किया है उसे वो संतुष्ट हैं, इसीलिए वो साथ दे रहे हैं। हाँ, आप मतलब से आए हैं, यहाँ पे जितने भी अध्यक्ष गण हैं सारे लोगों ने समर्थन देने का वादा किया है। ये तो वोट तो मिलने के बाद है लेकिन अभी तो हमको समर्थन मिल रहा है। नहीं मिली, अध्यक्ष पद में तो मिली ना रहा है लेकिन डायरेक्टर में तो हम उम्मीदवार हैं तो हम कैसे बोले डायरेक्टर में किसको। एक ही पद के लिए हमारे साथ तमाम उम्मीदवार आते हैं क्योंकि एक साझा मंच हम लोग साझा करते हैं और सब अपनी अपनी बातें रखते हैं और जनता जनार्दन है, उसे निर्णय करना है कि वो किसको आगे बढ़ाती है किसको पीछे बढ़ाती है, ये निर्णय तो होता है। अमर नाथ पांडे निर्विरोध चुनाव जीत। बताया जाए कि जो आज मोतीपुर आईडी में पैक्स का और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जो मीटिंग हुआ है उस पर क्या बताइएगा। यहाँ जो मीटिंग हुआ है अमरनाथ पांडे जी का मीटिंग हुआ है, सभी लोग आए हुए थे, अपना अपना वोट मांगे हैं। इस मीटिंग में एक उम्मीदवार हम भी हैं। किस पद पर आप उम्मीदवार हैं? वो डायरेक्टर के पद पर पिछड़ा वर्ग से है। अच्छा, एक पद होता है पिछड़ा वर्ग का भी, उस पिछड़ा कोटी से हम भी हैं। तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद हम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, कोई कैंडिडेट तो नहीं कहा कि हम आ रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं। क्या सुनना हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। अच्छा, मूल रूप से निवास? और मैं मुरसंडी पैक्स अध्यक्ष हूँ और 2009 से कंटिन्यू आज तक हूँ। क्या अपील करते हैं अपने मतदाताओं से? मैं अपने मतदाताओं से पूरे जिले के पैक्स अध्यक्ष जितने वोटर हैं इसमें उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनका एक एक वोट जो है बहुमूल्य वोट, आग्रह करता हूँ कि वो एक एक वोट पिछड़ा वर्ग के लिए मुझे चुने और उनकी सेवा में मैं कहीं से कमी नहीं होने दूंगा, मुझे आशा है और विश्वास भी है। पूरा परिचय बता। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, मैं मोरसंडी पैक्स का अध्यक्ष हूँ और मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर। एक पद होता है डायरेक्टर पद पिछड़ा वर्ग से, इसके लिए उम्मीदवार। आपने पूरे विचारधाराओं को सुना आपने अमर पांडे जी का और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप जो है इस खबर को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करें क्योंकि लोकतंत्र में जो है आपकी कमेंट बहुत ही ज़रूरी है। आप किसके प्रति क्या सोचते हैं यह हमारे कमेंट बॉक्स से ही लोगों को पता चलता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर कफन रिपोर्टर धर्मचंद यादव।